जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, सीआईटीएस की काउंसलिंग चल रही है। साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दो अपडेट देने वाला हूँ, दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसे आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी चाह रहे हैं सीआईटीएस का काउंसलिंग करा करके एनएसटीआई या आईटीओटीज में एडमिशन पाना, तो आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर के आ चुका हूँ। देखिए चूंकि थोड़ी व्यस्तता है, इस वजह से हम थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं, बट हाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, वो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ध्यान दें, हर तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारा जो ये सीआईटीएस का ऑल इंडिया ग्रुप है आईटीआई ब्रेन्स, इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। यहाँ पे हर तरह की अपडेट्स और हर तरह की गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं, सभी का इंस्टेंट आपको यहाँ पे न्यूज़ मिलता है, और कोई भी आपका डाउट है तो आप यहाँ पे जुड़ करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। सबसे पहला अपडेट देखिए साथियों, यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहला अपडेट यहाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या बोला गया है यहाँ साथियों। बोला गया है कि पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस विल बी अलाउड अप टू 24/7/2023, मतलब कि 24 जुलाई का जो है 23:59 तक, मतलब कि पूरा का पूरा 24 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा काउंसलिंग फीस पेमेंट करने का। मतलब आज का ही, आज मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, और आज के ही, ठीक है, रात के 12 बजे तक आप लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी काउंसलिंग का। कोई भी कैंडिडेट अगर फीस पेमेंट नहीं किया है भाई, तो कर दीजिए, अभी आपके हैंड में लगभग जो है 1.5 घंटे जैसा वक्त बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या कही गई है कि जो भी चॉइस आपने भरा है वो कल 25 तारीख को 12 बजे तक फ्रीज हो जाएगा। मतलब उसके बाद आप कोई भी चेंजेस सोचिएगा कि मैं चेंज करूं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया कि जैसे कि आपने फर्स्ट चॉइस एनएसटीआई हावड़ा दिया है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं फर्स्ट चॉइस हावड़ा को नहीं करके कानपुर करना चाहता हूं, तो ये जो भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं ना, वो आपको लास्ट डेट कब है 25 का, मतलब कल दोपहर के 12 बजे तक ही, 12:01, 12:02 में आप सुधार नहीं कर पाइएगा। ये दूसरा अपडेट था। ठीक है, पहला अपडेट ये फीस पेमेंट्स रिलेटेड, दूसरा अपडेट कि 25/7 कल 12 बजे दोपहर तक ही आप अपना चॉइस को चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कहा गया है, एनी मेल कैंडिडेट चूजन वुमेन्स इंस्टीट्यूट बाय मिस्टेक आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर इंस्टीट्यूट इमीडिएटली, फेलिंग विल रिजल्ट इन नन एलोकेशन ऑफ सीट्स। कहा गया है कि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो कि महिला वाला जो इंस्टीट्यूट है उसका अगर चुनाव कर लिए हैं गलती से, तो वो इमिडिएटली उसको चेंज कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका एलोकेशन नहीं हो सकता है। जो वुमेन वाला जो एनएसटीआई है, एनएसटीआई वुमेन्स का जो है, उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट मतलब कि चॉइस में डाल दिया है, तो उसको चेंज कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपके लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फिर मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका अलॉटमेंट ही नहीं होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, जो आप लॉगिन करना है, आपको लॉगिन कैसे करना नहीं करना सभी हमने यहाँ पे वीडियो दे रखा है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। काउंसलिंग और कैसे करना है, सीआईटीएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात कि यहाँ देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, देखिए यहाँ पे 261 टोटल वीडियो बना के रखे हैं आप लोग के सुविधा के लिए, 261 वीडियो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में। आपको जो भी डाउट है, आपके मन में छोटा से भी छोटा का डाउट आता है ना, यहाँ पे आपको उसका वीडियो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले साल, उसके पिछले साल भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इवन खुद मैंने एनएसटीआई हावड़ा में जो है ये सीआईटीएस करा है, तो वहाँ से भी बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ से फिर से वही सूचना आ रही है, एनी मेल कैंडिडेट, जो भी कोई मेल कैंडिडेट हैं, जो भी कोई पुरुष अभ्यर्थी अगर डब्ल्यू वाला, जैसे एनएसटीआई डब्ल्यू जिसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये डब्ल्यू अगर ये वाला सेलेक्ट हो गया है, तो भाई प्लीज़ उसको आप क्या कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। जो भी मेल कैटेगरी के जो लड़के हैं उसमें डब्ल्यू वर्ड नहीं दिखना चाहिए, बस सीधी सा बात मैं कहना चाह रहा हूँ, डब्ल्यू नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अलॉटमेंट आपका नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो जो नीमी का जो ये वेबसाइट है, इसका ही प्रॉब्लम है, और देखिए इसके वेबसाइट में ऐसे बहुत ज़्यादा एरर रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, आपको ही समझ बूझ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब जैसे जो भी कोई मेल कैटेगरी का कैंडिडेट है, जो भी ट्रेड है, उसका वहाँ पर शो ही नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि जब आप रिसेंटर करते हैं और चेक करते हैं आपका कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूट आ रहा है वो आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई लड़का मान लीजिए पटना का है, बिहार का है, वो सोचेगा कि मैं बिहार के पटना के एनएसटीआई में पढ़ लूँ,
तो भाई वहां तो वुमेन्स का जो है एनएसटीआई है, वहां पे आप कैसे पढ़ लोगे? बट ये जो पोर्टल है इसका भी, इसका ये दिक्कत है ना कि वो शो क्यों हो रहा है वहां पे, वो जो मेल कैंडिडेट का जो प्रोफाइल खुलता है उसमें वो लड़कियों का एनएसटीआई डब्ल्यू क्यों खुल रहा है, ये नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा जो हमने यहाँ पे अपडेट दिया है। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का क्या पोजीशन है, क्या मतलब बनता है, वो आपको हम हमारे जो ये वीडियो है ना इसमें देख के पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने जो बताया, यहाँ पे डायनेमिक रैंकिंग को कहा जाता है, क्या कहता है? डायनेमिक रैंकिंग। अब डायनेमिक रैंकिंग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी हमने दी है। कॉलेज चॉइस कैसे करना है, ठीक है, कितना चांसेस है, ये हरा पोजीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फीस पेमेंट वगैरह से रिलेटेड सभी हमने यहाँ पे CITS फर्स्ट काउंसलिंग शुरू जो ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिल जाएगा आप लोग को, एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो देखिए अभी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो मुझे देना था कि भाई अभी डेढ़ घंटा का वक्त है, फीस पेमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है, और जो चॉइसेस वो कल दोपहर के 12 बजे तक ही आप कर पाइएगा 25/7 तक। और कोई मेल कैंडिडेट अगर NSTIW चूज कर लिए हैं तो उसको रीसेंटर कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कैसे कीजिएगा भाई? तो यहाँ पे आप लोगों को चले आना है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार आप लोगों को। देखिए भाई यहाँ पे ना आप रीसेंटर वाला सेक्शन देख रहे हैं, रीसेंटर, ठीक है, रीसेलेक्ट सेंटर अगेन, रीसेलेक्ट सेंटर अगेन, इस वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको जो है चॉइस फिल करने के लिए आएगा, वहाँ पे NSTIW वाला वर्ड हटा करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे रीसेंटर होगा? रीसेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन पे करना है, और डाउनलोड कर लीजिएगा रिसिप्ट, ऐसे आपके ईमेल में भी आ गया होगा, ठीक है। और भाई ये कहीं कुछ नहीं है कि आपका 1000 रुपये जो है वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सभी वही 1000 जो पेमेंट किए हैं उसी से सारा काम होगा, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।